हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मुकेश, आई एम एस टीचर। टुडे आई विल टीच यू क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलीनामियल्स। सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि पॉलीनामियल क्या होता है। पॉलीनामियल जानने से पहले जानना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और हमको जानना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने से पहले जानना होगा कि कांस्टेंट क्या होता है। तो जैसा कि कांस्टेंट हम लोग जानते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी जो वैल्यू होती हैं सभी क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। यानी कि ऐसा वैल्यू जो कभी चेंज ना हो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब कांस्टेंट के बाद जानना होगा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है तो वेरिएबल जानना होगा कि वेरिएबल क्या होता है। तो जनरली जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इन सब को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू प्रत्येक जगह चेंज होता हो। जैसे कि यदि हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस टू। यदि इसी तरीके से हम एक दूसरा इक्वेशन लिखते हैं x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमको x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस थ्री। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ x का वैल्यू माइनस थ्री है और यहाँ पे x का वैल्यू माइनस टू है। तो इसीलिए हम x को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू माइनस टू है और इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू माइनस थ्री है। तो इसलिए x, y, z जनरली ये सब इनको वेरिएबल बोला जाता है, क्योंकि जितने सारे हम इक्वेशन लिखेंगे सभी के लिए x का वैल्यू अलग अलग मिलेगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। अब हम जान गए कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अब जानना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो कांस्टेंट वेरिएबल जान चुके, उसके पहले हम लोग को जानना होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन, तो जनरली बाइनरी ऑपरेशन प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, इन्हीं सब को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर हम डेफिनेशन दें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो यदि कांस्टेंट और वेरिएबल को इन चारों बाइनरी ऑपरेशन में से किसी एक के साथ लिखा जाए तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि हम क्या बोले हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, यदि कांस्टेंट और वेरिएबल को इन चारों बाइनरी ऑपरेशन के साथ, इन चारों बाइनरी ऑपरेशन में से किसी एक के साथ लिखा जाए तो जो एक्सप्रेशन मिलता है उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं एक्स प्लस टू लिख दिए, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस फोर लिख सकते हैं, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम जान चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसके बाद से आता है पॉलीनामियल। अब हमको जानना होगा कि पॉलीनामियल्स क्या होता है। तो पॉलीनामियल्स का डेफिनेशन यह होता है कि इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेंस टू और मोर टर्म कॉल्ड पॉलीनोमियल्स। यानी कि पॉलीनोमियल्स का डेफिनेशन यह है कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो या दो से अधिक टर्म होते हैं तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलीनोमियल्स बोला जाता है। अब कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू, यहाँ लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस थ्री, यह सब के सब एक पॉलीनोमियल है। यदि और किसी भी पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एफ एक्स से लिख सकते हैं, एफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं, जी एक्स से लिख सकते हैं, जनरली एफ एक्स और जी एक्स से लिखा जा सकता है। किसी भी नोटेशन का हम यूज कर सकते हैं पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए।
अब हम लोगों को जानना है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनामियल, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनामियल्स, यानी कि किसी भी पॉलिनामियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो मान लीजिए यदि कोई पॉलिनामियल, यदि हम पॉलिनामियल को एफ एक्स से डिनोट करते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स पे पावर फोर प्लस एंड सो वन। यानी कि अगर किसी भी पॉलिनामियल को जानना है कि वह पॉलिनामियल है कि नहीं, तो अगर वह पॉलिनामियल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स पे पावर फोर प्लस एंड सो वन, अगर इसके फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे कि वह पॉलिनामियल है। वेयर वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट आर कॉन्स्टेंट, ये सब के सब क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। यहाँ पे सब के सब कॉन्स्टेंट होते हैं। अब इसके बाद से हम लोगों को जानना होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनामियल क्या होता है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनामियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनामियल, किसी भी पॉलिनामियल का डिग्री क्या होता है। तो किसी भी पॉलिनामियल का डिग्री जानने के लिए यदि कोई पॉलिनामियल दिया है, तो देखेंगे उस पॉलिनामियल में यक्स का हाईएस्ट पावर क्या है। तो यक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनामियल। जैसे यदि हम यहाँ पे कोई पॉलिनामियल लिख रहे हैं सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, यह एक पॉलिनामियल है, तो इस पॉलिनामियल में हम देखेंगे कि यक्स का हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पर यक्स का हाईएस्ट पावर टू है, इसलिए इस पॉलिनामियल का डिग्री कितना हो जाएगा, इस पॉलिनामियल का यदि हम डिग्री लिखना चाहें तो इस पॉलिनामियल का डिग्री टू हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम कोई और पॉलिनामियल ले रहे हैं, यहाँ पे सिक्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो इस पॉलिनामियल का डिग्री क्या होगा, थ्री होगा। तो इस तरीके से किसी भी पॉलिनामियल का यदि डिग्री जानना है, तो किसी भी पॉलिनामियल का जो डिग्री होता है, हम उस पॉलिनामियल में देखेंगे कि यक्स का हाईएस्ट पावर क्या है। तो यक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनामियल। इसके बाद अब हम लोगों को जानना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनामियल क्या होता है। तो पॉलिनामियल का क्लासिफिकेशन दो बेस पे होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे पॉलिनामियल कितने तरीके के होते हैं, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पर कितने तरीके के होते हैं। तो हम लोग को देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनामियल, तो जो पॉलिनामियल होते हैं, पॉलिनामियल को दो बेस पे डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है, पहला जो बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री के बेस पे पॉलिनामियल कितने तरीके के होते हैं। तो डिग्री के बेस पे पॉलिनामियल हम लोग को इस सिलेबस में डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पे जो पॉलिनामियल पढ़ना है, वह चार तरीके का पॉलिनामियल पढ़ना है। पहला जो पॉलिनामियल इसमें पढ़ना, उस पढ़ना है लीनियर पॉलिनामियल, लीनियर पॉलिनामियल। तो अब हम लोग को जानना होगा कि लीनियर पॉलिनामियल क्या होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिखे हैं क्लासिफिकेशन में कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो यदि किसी भी पॉलिनामियल का डिग्री वन है, तो उस पॉलिनामियल को लीनियर पॉलिनामियल बोलेंगे। या कह सकते हैं कि इफ़ अ पॉलिनामियल हैज़ डिग्री टू, देन इट्स पॉलिनामियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनामियल। जैसे अगर अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं, यदि कोई पॉलिनामियल x प्लस टू लिखा गया है, यह एक पॉलिनामियल है, तो इस पॉलिनामियल का डिग्री कितना है, वन है, इसलिए इस पॉलिनामियल को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनामियल बोलेंगे। अब दूसरा आता है इसके बाद से क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल जानना है, तो यह नाम से पता चल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल लिखा है, तो ऐसा पॉलिनामियल जिसका डिग्री टू हो, यदि जिस पॉलिनामियल का डिग्री टू होगा, उस पॉलिनामियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल बोलेंगे। यानी कि यदि हम कोई एग्जांपल लिखते हैं x स्क्वायर
प्लस टू एक्स प्लस फोर, यह एक पॉलिनामियल लिखे हैं। इस पॉलिनामियल का डिग्री क्या है, टू है, क्योंकि इसमें एक्स का जो हाईएस्ट पावर है टू है, तो इस पॉलिनामियल का डिग्री टू है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल हो गया। अब तीसरा इसके बाद से आता है क्यूबिक पॉलिनामियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनामियल जानना है, क्यूबिक पॉलिनामियल तो लिखा है कि क्यूबिक पॉलिनामियल, तो इफ़ अ पॉलिनामियल हैज़ डिग्री थ्री देन द पॉलिनामियल इज़ नोन एज क्यूबिक पॉलिनामियल, यानी कि किसी भी पॉलिनामियल का यदि डिग्री थ्री होगा तो उस पॉलिनामियल को क्यूबिक पॉलिनामियल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यदि हम कोई पॉलिनामियल लिख रहे हैं यक्स क्यूब प्लस टू यक्स स्क्वायर प्लस थ्री, यह एक पॉलिनामियल है और हम देख रहे हैं इस पॉलिनामियल का जो डिग्री है वह थ्री है, इसलिए एक ऐसा पॉलिनामियल है क्यूबिक पॉलिनामियल है। इसके बाद से चौथा आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल जानना है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल तो ऐसा पॉलिनामियल यदि उस पॉलिनामियल का डिग्री फोर है, कह सकते हैं इफ़ अ पॉलिनामियल हैज़ डिग्री फोर देन कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं एक्स पे पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इस तरीके से यह एक हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल लिखे हैं। अब यह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल क्यों है, क्योंकि इस पॉलिनामियल का डिग्री क्या है फोर है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसलिए यह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पे यह चार तरीके का पॉलिनामियल पढ़ना था।